बनारसी साड़ी कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए लगाया जाएगा 2 दिवसीय हैंडलूम एग्जीबिशन। डॉक्टर समता पांडे, सेब हैंडलूम बनारसी एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर समता पांडे ने बताया कि 7 और 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 तक वाराणसी के महमूदगंज क्षेत्र में स्थित पद्मिनी होटल में तीज सेलिब्रेशन के तहत बनारसी साड़ी का एग्जीबिशन लगाया जाएगा, जिसमें बनारस समेत पूर्वांचल के साड़ी विक्रेता भाग ले सकते हैं। इस एग्जीबिशन में बनारसी हैंडलूम की साड़ियों विभिन्न वैरायटी शामिल रहेगा। एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य बनारसी साड़ी और कारीगरों के कार्य का प्रोत्साहन देना है। देखिए, ये एग्जीबिशन यही मैमूरगंज पद्मिनी होटल में लगाया जा रहा है और इस बार एग्जीबिशन का उद्देश्य ये है कि जितने भी वीवर्स और आर्टिसंस हैं उनका जो सामान है, उनकी बनाई हुई जो साड़ियां हैं, हैंडलूम साड़ियां हैं, उनकी बिक्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ और उनको जो है इसका लाभ मिले। कहाँ से इस एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने के लिए लोग आ रहे हैं? देखिए, स्टॉल लगाने के लिए पूरे बनारस के अलग अलग कारीगर हैं और जिनको मैंने कांटेक्ट करके बुलाया है और जो मैं चाहती हूँ कि उनकी उन्नति हो, क्योंकि एक सोशल वर्क है जो मैं कर रही हूँ और हर प्रकार की साड़ियाँ वो लोग इकट्ठा करें, इसीलिए विभिन्न विभिन्न कारीगरों को बुलाया गया है। हर प्रकार की बनारसी साड़ियाँ जो हैंडलूम हैं वो वहाँ पर एकत्रित होंगी और सबको एडवर्टाइज़ करके बुलाया गया है कि बड़े से बड़ी संख्या में लोग आएँ और उनको ख़रीदें और इससे उन्हें लाभ मिले। जिस तरह से तीज के त्यौहार को देखते हुए आपने ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है, आगे और भी त्यौहार है क्या, उसमें भी इस तरह के एग्जीबिशन के आयोजन किए जाएंगे? जी हाँ, कार्यक्रम की सफलता पे भी ये निर्भर करता है। हमारा पूरा ये आगे का प्लान है कि हम जो है जब जब कोई बड़ा उत्सव आए तो इसको जो है करें, जैसे प्री दिवाली भी करने का एक प्लान है और इस बार सफलता मिली तो उस प्लान को और बल मिलेगा। तो क्या कहेंगी स्टॉल के लिए, एग्जीबिशन के जरिए उन हुनरमंदों के लिए जो के पास हुनर तो है लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, बनारस में बहुत से कारीगर ऐसे हैं जो कि बहुत हुनरमंद हैं पर उस हिसाब से उनको सफलता नहीं मिल पाई है और जितना उम्दा वो कार्य कर रहे हैं उतना उनको उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो बनारसी साड़ियाँ चूँकि महंगी होती हैं तो उनके प्रमोशन करने में भी मुझे दिक्कत आती है, पर मुझे उम्मीद है कि इस बार एग्जीबिशन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस बार एग्जीबिशन में हम एक स्कीम शुरू कर रहे हैं, उसमें यह है कि जो महंगी साड़ियाँ हैं वो महिलाएँ इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकती हैं और पूरे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उनको साड़ी मिल जाएगी। इस तरह से महंगी साड़ियों को भी लोग खरीदेंगे, उनका भी प्रमोशन होगा। तो इस एग्जीबिशन में सिर्फ बनारस के ही लोग रहेंगे कि बाहर से भी आ रहे हैं? देखिए, कुछ लोग जो है मेरे बहुत से गेस्ट हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, पर विशेष रूप से बनारस के ही लोग रहेंगे और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले बनारस के लोग तो पूरी तरह से इसको पहचानें, क्योंकि बनारस के खुद के लोगों ने ही इसको ख़रीदना बंद कर दिया है और जबकि बहुत से उच्च वर्ग के लोग हैं बनारस में जो अच्छा सहयोग दे सकते हैं, तो पहले वो सारे लोग अवेयर हों अपनी कला के लिए। हम जब तक इस शहर के लोग इस कला के लिए अवेयर नहीं होंगे तब तक यहाँ के हुनरमंदों को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या कहना चाहेंगी एग्जीबिशन के लिए काशी की जनता से? काशी की जनता से विशेष अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हों और उच्च वर्ग ही नहीं मध्यम वर्ग के लोग भी वहाँ पर आए। साड़ियाँ महंगी ज़रूर हैं पर उनमें डिस्काउंट भी मिलेगा और इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा मिलेगी और कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिस प्रकार की साड़ी वहाँ मैंने मंगाई नहीं है। खड्डी जॉर्जेट से लेकर के रंग कार्ड तक जो सबसे महंगी होती है, हर प्रकार की रंग कार्ड और रियल जरी साड़ियाँ जो 1 लाख से ऊपर की होती हैं वो भी मंगाई गई हैं, उनमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी गई है। तो आप लोग आएँ, अवेयर हों उसके लिए, उस कला की प्रशंसा करें और उसे खरीद करके ले जाएं।